इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं किस चीज़ की, जी जितने भी लोगों के पास यूई वीज़ा है, चाहे वो विजिट वीज़ा है चाहे वो रेजिडेंशियल वीज़ा है, उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं। अब रेजिडेंशियल के अंदर भी दो टाइप की वीज़े होते हैं, हर वीज़े के ऊपर कितना कितना फ़ाइन है आज हम आपको इस वीडियो के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो यारो बेलियो, उम्मीद करना सारे ने सारे दोस्त एकदम चौकस हसन और मज़े कर रहे होंगे। अच्छा, आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं किस चीज़ की, जी जितने भी लोगों के पास यूई वीज़ा है, चाहे वो विजिट वीज़ा है चाहे वो रेजिडेंशियल वीज़ा है, उसके ऊपर फाइंस, जो फाइंस है ना उससे रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देखिए, फाइन कब स्टार्ट होते हैं और हर जो वीज़ा है उसके ऊपर कितने, जब वो एक्सपायर हो जाता है उसके बाद हर वीज़े के ऊपर कितना कितना फ़ाइन है, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी इन्फॉर्मेशन देने से पहले, जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फाइन, अब देखें यहाँ पे वीज़े जो हैं, एक तो है टूरिस्ट वीज़ा या जिसको आप विजिट वीज़ा बोलते हैं, उसके बाद एक है रेजिडेंशियल वीज़ा। जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके अंदर ऐसा है कि जब वो एक्सपायर हो जाता है तो हर दिन, टूरिस्ट वीज़ा दो टाइप का होता है, एक है वन मंथ का वीज़ा, एक है थ्री मंथ का वीज़ा। जो वन मंथ का वीज़ा है वो वैलिड होता है 40 डेज तक, लेकिन आपने 30 डेज ही माइंड में रखना है। तो वन मंथ और थ्री मंथ, मतलब वन मंथ 30 डेज, थ्री मंथ 90 डेज, तो 30 डेज के बाद आपका जो फाइन है वो स्टार्ट हो जाएगा 100 दिरहम पर डे, 100। इसी तरह जो थ्री मंथ का है, 90 डेज के बाद आपका जो है फाइन स्टार्ट हो जाता है 100। और जो दूसरा वीज़ा है रेजिडेंशियल वीज़ा है, उनका लेबर और इमिग्रेशन दोनों होते हैं। ये मैं मेन लैंड की बात करूं। अब जो लेबर है, दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, दो साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फिनिश, उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं। 60 डेज के अंदर आपको या तो उसको रिन्यू करना है या आपने कैंसिल करना है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो या आपने उस कंपनी के साथ रिन्यू करना है या ख़त्म करना है। तो अगर या आपने वहाँ से ख़त्म करना है तो उसके क्या प्रोसीजर हैं, अगर रिन्यू करना है तो उसके क्या प्रोसीजर हैं, और फाइन कब स्टार्ट होंगे। अगर जब दो साल आपकी फिनिश हो गए, अब देखिए दो डिफरेंट डेट्स हैं, दो डिफरेंट एक्सपायरीज हैं। नंबर वन लेबर, लेबर की जो एक्सपायरी है वो डिफरेंट होगी, और जो इमिग्रेशन की एक्सपायरी है वो है डिफरेंट। अगर आपने वीज़ा रिन्यू करना है, वीज़ा रिन्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका लेबर एक्सपायर्ड हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया, उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। उसमें आप उसकी लेबर कॉन्ट्रैक्ट या लेबर जो फीस है वो आप पे करें, आपका जो है वो फाइन वगैरह नहीं आएगा। अगर 60 डेज से ऊपर हो गया तो आपको फिर जब एक्सपायर हुआ है उस दिन से आपका फ़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। और फ़ाइन कितना है, उसका फ़ाइन है जो फर्स्ट मंथ का होता है वो 243 वो चार्ज करते हैं, इसमें जो उनकी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो भी होती है, बाकी प्लस फ़ाइन। उसके बाद हर महीना जो है 100 ऐड होता जाता है ईच मंथ। इसी के साथ इमिग्रेशन का जो जब एक्सपायर हो जाता है उसके बाद जो लिखा होता है, आपके पता है जो वीज़ा है वो आपके पासपोर्ट की जब स्टैंप हुआ होता है, इसी तरह आपके पास एमिरेट्स आईडी होती है, वहाँ पे एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। जब वो एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपके पास इमिग्रेशन आपको 29 डेज ग्रेस पीरियड देते हैं। तो वो जो ग्रेस पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाता है तो ग्रेस पीरियड के बाद हर दिन आपका फाइन स्टार्ट हो जाता है, कितना, 25 दिरहम पर डे। ये आपका जो वीज़ा स्टैम्प हुआ हुआ है ये उस पर आता है, 25 दिरहम पर डे। इसी के साथ आपके पास एमिरेट्स आईडी है, अगर वो भी आप रिन्यू नहीं करेंगे तो उसके ऊपर आएगा 25 दिरहम पर डे। लेकिन जो एमिरेट्स आईडी है उसमें जो मैक्सिमम जो फ़ाइन है वो है 1000 के बाद उससे मैक्सिमम फ़ाइन नहीं होता। मतलब अगर आपने एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने अगर रिन्यू नहीं किया तो आप 25 पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते रहें, और 1000 दिरहम से ऊपर इसका फ़ाइन नहीं है, 1000 फ़ाइन है एमिरेट्स आईडी का मैक्सिमम, उसके बाद फ़ाइन नहीं आता।
जो आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ हुआ है पासपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर 25 दिरहम पर डे आते हैं, और पहले 6 मंथ जो पहले 6 मंथ हैं उसके अंदर 25 डेज पर डे 25 दिरहम, जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं उसमें वो 25 से ज़्यादा हो के 50 दिरहम पर डे हो जाता है, फिर एक साल के बाद जो फ़ाइन है वो आपका वो 100 पर डे हो जाता है। तो ये मतलब कैलकुलेशन है फाइंस की डिफरेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे भाइयों दोस्तों को ये उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर इसके अंदर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है आपका, या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप है, बाकी जितने भी मेरे सोशल मीडिया है उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या और भी जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैं सब के अंदर मेरा दुबई वाली सरकार के नाम से वहाँ पे पेज बने हुए हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। और अभी यहाँ तक हमको दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।